प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया रिएक्ट्स पे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही जबरदस्त और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बस उनको जलना चाहिए किसी भी तरीके से, इसलिए धरती पर कितने भी गुनाह करवा लो मुसलमान मर्दों से, उनको अपना जन्नत का 72 वर्जिन हूर फिक्स करना है। आपको साइंस का क्या पता, नॉलेज क्या पता, उनको क्या पता कि इंजीनियरिंग क्या होती है, उनको क्या पता कि डॉक्टरी क्या होती है। हमारे बुक्स आपके बुक्स में जमीन आसमान के फर्क है, हमारी स्टडी आपकी स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है, हमारी सोच समझ आपकी सोच समझ में जमीन आसमान का फर्क है, हमारी सिंप्लिसिटी और आपके मेकअप पॉलिश में जमीन आसमान का फर्क है, हमारे जो पुरुष है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है मैम? हम आसमान है, आप लोग गटर है। मैं तो हम भी इंसान ही इंसान है ना, तो समझाइए सबको कि समझाइए ना। औरत अगर परफ्यूम लगा ले तो उसकी मौत के बाद उसको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देख करके उसको जहन्नम भेजा जाएगा। अब बताइए कि हमने परफ्यूम लगा लिया तो हम प्रोस्टिट्यूट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी मौलवी मुल्ला ये नहीं कहता है कि हमें शिक्षा लेना चाहिए। हमें हिजाब के बारे में बताया जाता है, हमें नकाब के बारे में बताया जाता है, हमें मजाजी खुदा के बारे में बताया जाता है कि शौहर को मजाजी खुदा बोलो, शौहर अगर लेकर के भी आ जाए चार बीवियां तो भी उसको मजाजी खुदा बोलो। लेकिन कभी भी एडुकेशन के बारे में ना आपके पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला बताते हैं, ना हमारे हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला बताते हैं कि नहीं लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को कुछ बनना चाहिए, लड़कियों को एक मुकाम हासिल करना चाहिए। ऐसी कोई बातें आपने सुनी है? ऐसी कोई बातें आपने सुनी है कभी? अगर सुनी है तो मुझे बताइए कि हाँ हाँ फलाने सुनी है। मैंने तो नहीं सुनी अपने हिंदुस्तान के। तो अच्छी बातें महिलाओं के लिए मुसलमान मर्दों के मुंह से नहीं निकलता है। कई ऐसे आपके पाकिस्तान के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं और इंडिया के भी, जो बैठ करके मेरी बुराइयां करते हैं, दो चार व्यूज मिल जाता है उससे उनका घर चल जा रहा है, नमक रोटी चल जा रही है। तो मैं इसलिए उनके ऊपर कोई केस और कंप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि चलो भाई ये भी तो इंसानियत का काम है कि मेरी बुराई करने से भी अगर दो चार व्यूज मिल रहे हैं तो घर में रोटी नमक का तो इंतजाम हो जा रहा है ना। सोचो कितना अच्छा ऑरा है मेरा, क्या जबरदस्त हूं मैं कि हैशटैग नाजिया इलाही खान डाल दो तो कम से कम थोड़े बहुत तो व्यूज आ ही जाएंगे और पैसे तो आ ही जाएंगे। तो ये है नाजिया का जलवा कि हैशटैग नाजिया इलाही खान तो व्यूज तो अपने आप आएंगे। तो ये है जलवा मेरा। तो हम तो राह चलते भी अनजाने में भी इंसानियत करते चलते हैं। जान रही हूं मैं कि मैं अगर अभी खड़े हो जाऊं तो उस औरत के लिए या उस बंदे के लिए मैं चार केसेस करूंगी और सीधा जेल भेजूंगी क्योंकि सारी गलत बातें हैं। लेकिन फिर भी मैं चुप हो जा रही हूं कि चलो ठीक है, हैशटैग नाजिया इलाही खान से उसके घर की रोटी नमक चल रही है। दिस इज ह्यूमैनिटी ना। और आपने मौलवी मुल्लाओं की बात की है, तो मैम कुछ मौलवी मुल्ला ऐसे हैं जो फितना फैला रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान के एक मुल्ला की वीडियो वायरल हुई और मैं देख के बड़ा हैरान और मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बोला कि भारत को चांद पर क्या पंडितों ने पहुंचाया है, अमेरिका को चांद पर क्या उनके पादरियों ने पहुंचाया है, अगर भारत चांद पर है तो उनके साइंटिस्ट की वजह से है और पाकिस्तान के साइंटिस्ट इतने बदबख्त हैं कि एक सुई तक नहीं बना पाए। बताए ना मुझे ये कितनी कितनी खूबसूरत बात है। आप सोचो। लेकिन मैं इसमें कुछ थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी कि ताकि लोग जो जिन्होंने ये बोला है, मैं चाहूंगी कि ये वीडियो उन तक भी पहुंचे। वेदों और ग्रंथों में जो है ना, ऋग्वेद में सूर्य से लेकर के धरती से लेकर के चांद से लेकर के सितारों से लेकर के इस सारे कैलकुलेशन को 4,500 साल पहले ही कर दिया गया था मुकम्मल। ऋग्वेद में ये सारी बातें पहले ही कर दी गई थी। उसके किसी और सेशन में मैं वो पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी, पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी तो लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे हमारे वेदों और ग्रंथों में ये जितनी चीजें हैं, ये सूर्य से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड, इसलिए आप देखो कि हम नमस्ते करते हैं। मतलब नमस्ते का मतलब होता है कि आप एक व्यक्ति हैं, एक इंसान है, पर आपके अंदर जो भगवान है हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर भी भगवान होता है। वो कैसे होता है कि हमारे हमारी दो चीजें होती हैं, एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको आगे आने देंगे, हम किसको अपने ऊपर हावी होने देंगे।
तो मैं अपनी अच्छाइयों को अपने ऊपर हावी रखती हूँ, तो ये भगवान की कृपा है। इसलिए हम जिससे भी मिलते हैं हम अपनी शीश को झुका करके नमस्ते करते हैं, मतलब इंसान को, इंसान के अंदर बैठे भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, जिस मिट्टी में मुसलमान दफन होते हैं उस मिट्टी की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है। तो आप सोचो कि भगवान के बनाए हुए सारी चीजों को पूजा जा रहा है भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि ये सारी चीजें हमें दी गई है। और ये बात बिल्कुल सच है कि क्या साइंटिस्ट जो इसरो में जितने भी वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है, क्या क्या वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की? तो परफेक्ट एडुकेशन बहुत मैटर करता है कि आप जितने एडुकेट होंगे आप उतना ज्यादा आपका माइंड जो है वो वास्ट होगा, उतना ज्यादा फास्ट होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमेशा क्यों कहते हैं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान दे दो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत बहुत आगे जाए, वो भी शिक्षित हो, वो भी शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। आप सोचो इस बात को। और पाकिस्तान इस्लामिक देश है तो कुरान का तो पहला वर्ड इकरा है ना। जब कुरान नाजिल हुआ था तो बार बार ये बात दोहराई गई है कि पहला वर्ड इकरा का है, तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा होनी चाहिए। आपका इस्लामिक देश है, आपने तो नाम रखा है ना द इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, आपने तो रखा है ना, तो आपके यहाँ तो शिक्षा सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। आप इकरा को भी नहीं मानिएगा, उस पर भी नहीं चलिएगा। देखिए निम्रा, बहुत साधारण सी बात है कि अल्लाह और बंदे के बीच में किसी भी दलाल की जरूरत नहीं है हमें। तो अल्लाह और बंदे के बीच में ये मुल्ला आता कहां से है, या ये मुल्ली आती कहां से है? भाई कुरान ने कह दिया है कि हम 100% पाक भी नहीं होते हैं, तो ये मुल्ली बनती कैसे? ये मुल्ली तो बननी भी नहीं चाहिए ना। तो मुझे अल्लाह से कुछ मांगना होगा, मैं मुसल्ला बिछा करके मैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगूंगी ना। ये बीच में दलालों को क्या जरूरत है, ये दलाली करने के लिए क्यों आते हैं? तो इसलिए मैं डायरेक्ट अल्लाह को मानती हूँ। और जिसने भी ये बात कही है बहुत खूबसूरत बात कही है। आप भारत में आप छोटे छोटे बच्चे से बात कीजिए, देखिए आपको कितनी नॉलेज वाली बातें बताएगा। आप पाकिस्तान देश के आप छोटे बच्चों से बात कीजिए, बम मार देंगे, गोली मार देंगे, मेरी चचेरी बहन जो है वो मेरी बीवी बनेगी, उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है। अब आप बोलिए कि नाजिया झूठ बोल रही है, आप बोलिए कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, आपको बताइए आप मुझे। मैंने जो ये बात इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है, मैंने सच रखी है कि गलत रखी है, यही बोलता है ना आपके देश का? बच्चे तो यही बोलते हैं कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं बम फेंकूंगा, कश्मीर लूंगा, ये वहां की बात सच है। तो देखिए भारत क्योंकि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, वहां के बड़े हुए हैं ना, तो उनको पता है कि भाई हमारा ज्ञान विज्ञान ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की इज्जत की जाती है, मुसलमानों की बहुत इज्जत है, नाजिया इलाही खान की बहुत इज्जत है, क्योंकि वो एडुकेटेड है, उसको पता है कि संविधान क्या बोलता है उसको, तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट किया जाता है। अब दो चार पैसा का वो भीख में लेने के लिए, फितरा जकात के लिए दाढ़ी टोपी लटका करके चला आ रहा है कि मुझे भीख मिल जाए, तो ऐसे लोगों को कौन इज्जत देगा? मैं तो नहीं देने वाली, और कोई मुझसे जबरदस्ती दिला भी नहीं सकता है। जितनी भी नेगेटिव मेरे लिए न्यूज बनाने हैं बनाओ, दाल रोटी अपना अपना चलाओ घर का, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लेकिन मैं तो किसी मुल्ला मौलवी को तो मैं और ना किसी मुल्ली को तो मैं इज्जत देने वाली हूँ नहीं। सो आप ही निम्रा, मैं आपको एक जस्ट अ पीस ऑफ सजेशन कि कोशिश कीजिए कि अपने एडुकेशन पर ज्यादा फोकस कीजिए और अपने वर्क पर ज्यादा फोकस कीजिए। एक कान से सुनिए और दूसरे कान से उड़ाइए, क्योंकि आप कंप्लीट तब होंगी जब आप एज एन वर्किंग वुमेन आप परफेक्ट होंगी, कंप्लीट होंगी। एक इंडिपेंडेंट वुमेन होना अपने आप में एक बहुत बड़े प्राउड की बात है। तो मैम थैंक यू सो मच, आप वक्त निकालती हैं, हालांकि आप बहुत बिजी भी होती हैं, मगर फिर भी व्यूअर्स के लिए आप आती हैं उसके लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।